पेरेंट्स, आज मैं बताने जा रही हूँ, अगर ऑटिज्म बच्चा ठीक करना चाहते हो तो कौन सा थेरेपी हमें कराना चाहिए, थेरेपिस्ट कौन सा होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा आज वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना, रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये हम कैसे शुरू करें, बच्चे को कौन सा थेरेपी कराना चाहिए, काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मैसेज करता है। तो हमें जब पता लगता है हमारा बच्चों में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, तो अब हमें देखना होता है बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को मतलब फिजिकली प्रॉब्लम, अगर बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम है और अटेंशन भी नहीं है और बच्चा बोल भी नहीं सकता है, आपको देखता भी नहीं है, आई कांटेक्ट भी नहीं होता है, तो फास्ट हमें शुरू करना होता है ऑक्यूपेशन थेरेपी। और कोई कोई बच्चे को फिजिकली इतना प्रॉब्लम होता है जो चल भी नहीं सकता है, उसको मतलब फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ता है। और काफ़ी पेरेंट्स ये कन्फ्यूज में रहता है जे हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा थेरेपी फास्ट करें। तो हमें देखना होगा बच्चा अगर हाइपर हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो, ग्रोस मोटर फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम हो, बच्चे का बॉडी में हालचाल हो, बच्चा एक जगह में बैठ नहीं सकता है, पेरेंट्स को ये फॉलो करना पड़ता है। मतलब असेसमेंट के बाद हमें घर में फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है जो हमारा बच्चा कुछ उठाने के लिए मुश्किल होता है, कुछ पकड़ने के लिए मुश्किल होता है, इसके लिए हमें फास्ट क्या करना होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी। जो बच्चा एक जगह में बैठ नहीं सकता है, अगर आप ऑक्यूपेशन थेरेपी कराएंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे एक जगह पे बैठने लगेगा। उसके बाद जब ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करेंगे, जब बच्चा बैठने लगेगा, तब जाके आपको स्पीच थेरेपी शुरू करना है। स्पीच थेरेपी का मतलब ये नहीं है, स्पीच थेरेपी और स्पीच एंड लैंग्वेज दोनों शुरू करना होता है। और ये जो करना होता है, हमेशा थेरेपी आप जिससे लोगे उसका पहले डिग्री देखो और उसका एक्सपीरियंस देखो। ऐसे नहीं है कोई पर भी ले जाओ और बच्चे को थेरेपी कराओ, बच्चे को इम्प्रूवमेंट ना आए फिर भी करते जाओ एक ही जगह पे। स्पीच थेरेपिस्ट अच्छा चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा स्पीच लैंग्वेज, जो थेरेपिस्ट होता है मतलब जो पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जो जिसके पास भाषा और भाषा विकास की सारे टेक्निक होता है, उसके पास अपना सर्टिफिकेट है, वो मतलब अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है स्पीच के लिए, जो इसलिए उसके पास ही हमें जाना चाहिए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास नहीं। तो आपका बच्चा सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो आपका बच्चा उतना इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो और आपको डिग्री देखना है और एक्सपीरियंस भी देखना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और कोई कौन सा बच्चा हुआ आता है, किसको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो देख के फिर आपको स्पीच थेरेपी शुरू करना पड़ता है। तो उसके बाद स्पीच थेरेपी के साथ साथ हमें स्पेशल एडुकेशन भी शुरू करना पड़ता है। स्पेशल एडुकेटर क्या करता है, हमें कोई ऐसे टिप्स बताता है स्पेशल तरीका से, जैसे हम अपना बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग, हम अपने बच्चे का लाइफ की काफ़ी काम हम सिखा सकते हैं, वो काम स्पेशल एडुकेटर बताता है। तो हमें पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, हमें फास्ट ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करना होता है और उसके बाद स्पीच थेरेपी। जब आप बच्चे को और ऑक्यूपेशन थेरेपी आप जब देखोगे आपका बच्चों में प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकता है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, भागता है, ग्रोस मोटर का प्रॉब्लम है, फाइन मोटर का प्रॉब्लम है, तब आप स्पीच मतलब फास्ट आप ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करोगे, उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप देखोगे जो आपका बच्चे का बोल नहीं सकता है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है बच्चों में बोल नहीं सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका बॉडी में भी प्रॉब्लम है, ग्रोस मोटर फाइन मोटर का भी प्रॉब्लम है, ये आपको समझ ना आए और आप सिर्फ स्पीच थेरेपी ज्वाइन करोगे तो फिर आपको सिर्फ स्पीच में थोड़ा बहुत मतलब वो आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, बाकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको फुल फाइनल इम्प्रूवमेंट चाहिए, हर तरीका से हर दिशा से अगर बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाना है, तो आपको मतलब बच्चे के नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बच्चे को ज़रूरत देखना है, नीड देखना है, बच्चे को क्या चाहिए,
किस किस में प्रॉब्लम है, कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है, वो हिसाब से थेरेपी करना पड़ता है। तो फर्स्ट तो मैं ये सलाह दूंगी, मतलब फिजिकली प्रॉब्लम हो तो बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी कराना है। और जो बच्चों में फिजिकली प्रॉब्लम ज़्यादा हो, जो चल नहीं सकता है, गर्दन सीधा नहीं कर सकता है, तो उसको मतलब फिजियोथेरेपी देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स, फर्स्ट हम ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करेंगे और जो चल नहीं सकता है, जो बच्चा बैठ नहीं सकता है, उसके लिए शुरू करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये शुरू करने के बाद जब बच्चा थोड़ा सा सीटिंग में मतलब अटेंशन आ जाए, थोड़ा सा सीटिंग आ जाए, तब जाके हमें स्पीच लैंग्वेज शुरू करना है, भाषा और भाषा मतलब भाषा बोलने की, और वो करना है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से। ये करने से आपको बच्चा, अगर आप चाहते हो भाषा तो सिर्फ बोलना है, कब कहा कैसे बोलना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके लिए लैंग्वेज थेरेपी मतलब स्पीच लैंग्वेज के पास ले जाना चाहिए। सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट ये नहीं करा सकता है, उनके पास उतना आइडिया, उतना नॉलेज नहीं होता है। जितना मैं जानती हूँ, मैं इतना अथर्वा के साथ काम किया, उसके ऊपर मैं बता रही हूँ। तो वो उसके बाद भी स्पेशल एडुकेशन की ज़रूरत होता है। स्पेशल एडुकेटर बहुत अच्छा अच्छा काम देता है, जो हम घर बैठ के बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे का लाइफ स्किल सिखाने के लिए, लाइफ का मतलब कैसे क्या सिखाना है, नहाना से शुरू करके टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग सारे स्पेशल एडुकेटर देता है। नेम रेस्पॉन्स कैसे सिखाना है, लोगों को कैसे पहचान कराना है, ये सारे स्पेशल एडुकेटर देता है। और पढ़ाई कैसे इजी तरीके से सिखाना है, ये भी स्पेशल एडुकेटर देता है। लेकिन पेरेंट्स, पहले हमें फॉलो करना है किस एज तक हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है, किस एज तक हमें, कहाँ से हमें बच्चों के साथ एक्टिविटी शुरू करना है। अगर आपको पता लगे आपका बच्चा 2 साल की है, तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना, आपको तुरंत आपको थेरेपी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप ये नहीं सोचेंगे मेरा बच्चा छोटा है, छोटा एज से अगर आप बच्चे को 2 इयर्स से लेके अगर 7 इयर्स तक अगर आप अपना मेहनत से मतलब अपना जी जान लगा के एक्टिविटी कराओगे, तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आप बच्चे को 7 इयर्स तक भी चारों तरफ की इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे, तो फिर आपका बच्चा हर तरफ की मतलब एक नॉर्मल बच्चे को जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जितना उसको आना चाहिए, आपको बच्चा आगे जाके एज जितना बढ़ेगा उतनी नहीं कर पाएगा। अगर आप एक्टिविटी करते रहोगे, बच्चों को एज ज़्यादा हो जाए इम्प्रूवमेंट आता है, ऐसे नहीं है जो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता है। बच्चे को एज जितना छोटा रहेगा, उतना जल्दी आपको थेरेपी ज्वाइन करना है। 7 साल के अंदर आपको बच्चे को आप जितना सिखा सकते हो, जितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, उसके बाद ही आपका बच्चा के साथ काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हम काफ़ी पेरेंट्स को देखा है जो मतलब उनको समझ आते आते बच्चे का एज बढ़ जाता है। अगर 2 साल में पता लगे और उनको समझ ना आए, थेरेपी सेंटर लेके जा रहा है, थेरेपिस्ट कोई कौन सा कैसे काम करा रहा है, और कोई कोई थेरेपिस्ट होता है सारे थेरेपी एक ही थेरेपिस्ट देता है, तो वो हमें नहीं करना। हर एक थेरेपिस्ट अलग होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो होता है, उससे आपको स्पीच लैंग्वेज नहीं कराना, क्योंकि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास उसका वो वाला नॉलेज ही होता है, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास होता है भाषा विकास करने की, लैंग्वेज मतलब बढ़ाने के लिए, सेंटेंस वोकैबुलरी बढ़ाना, सेंटेंस बोलना, कब कहाँ कैसे बोलना, ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। इसलिए कोई भी किसी की बातों में आके कोई मतलब आपको बोले जे हम स्पीच भी करा देंगे, स्पेशल एडुकेशन भी करा देंगे, पहले आप उसकी डिग्री देखो। अगर एक थेरेपिस्ट आपको बोले जे मैं 3 थेरेपी करा देंगे, तो उसको पहले डिग्री देखो, उसके बाद ही उससे थेरेपी लो। और एक बात पेरेंट्स, छोटा टाइम पे आप जितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप उतना नॉर्मल नहीं कर पाओगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन चारों तरफ की इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। जैसे स्पीच सीख गया लेकिन बाकी कामों में पीछे रह गया। तो हमें अगर बच्चे को इम्प्रूवमेंट और नॉर्मल चाहिए, तो हर तरीका से हर तरफ से बच्चे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसलिए 3 थेरेपी की ज़रूरत है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो वो बिहेवियर थेरेपी भी ले सकता है।
बिहेवियर थेरेपी में भी बच्चे को बिहेवियर का जो प्रॉब्लम होता है वो कंट्रोल हो सकता है। अगर जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बिहेवियर मतलब बिहेवियर थेरेपी ना भी ले, ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एक्सरसाइज होता है वो सारे करे, तो आपका बच्चे का काफ़ी हद तक बिहेवियर की प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और इसके हिसाब से जब समझदार हो जाता है तब धीरे धीरे बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बिहेवियर की प्रॉब्लम हट जाता है। तो कभी ये नहीं सोचना हमारा बच्चा छोटा है तो हम कैसे करें। काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज मेरे को आता है हमारा बच्चा 2 साल की है, तो अगर आपको पता लगे आपका बच्चा 2 साल की एज में आपका बच्चा ऑटिज्म है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल करने की। अगर बच्चे को एज बढ़ जाए, 6 साल हो जाए बच्चे को और बच्चा बोल नहीं सकता है या बच्चा चुप नहीं बैठ सकता है या सिटिंग में प्रॉब्लम है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उस बच्चे को हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चा हर तरीका की इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएगा। क्योंकि उसको ये जब बड़ा हो जाता है उसको कंट्रोल करके बैठाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको पता लगे पेरेंट्स से मेरे बच्चों में ऑटिज्म है, रुकना नहीं, आप बच्चे के नीड के हिसाब से आप मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करो, फिजियोथेरेपी चाहिए तो बच्चे को गर्दन टेढ़ा है या बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता है, तो फिजियोथेरेपी शुरू करो, उसके बाद स्पीच से लैंग्वेज थेरेपी शुरू करो, उसके बाद स्पेशल एडुकेशन शुरू करो। मतलब हर एक थेरेपी चाहिए। आप अगर सोचोगे तो मैं सिर्फ ऑक्यूपेशन थेरेपी करके बच्चे को बिल्कुल मतलब बच्चे को जितना एरिया है एक नॉर्मल लोगों के लिए जो जो नॉलेज होना चाहिए वो सारे नॉलेज अगर आप अपने बच्चों में चाहिए तो छोटा एज से ही आप 7 इयर्स तक आप बच्चों के साथ इतना टाइम दीजिए, इतना मेहनत कीजिए, तो 7 इयर्स के बाद फिर आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा जैसे हर कुछ सीख लेगा, तो अब आपको स्पेशल तरीका अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा नॉलेज है। जैसे अथर्वा को 2 साल 11 मंथ्स में जब मुझे पता लगा था तब भी मैंने थेरेपिस्ट का बात सुन के ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू किया था, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करने के बाद जब मेरा बच्चा थोड़ा सा काम डाउन हुआ तब स्पीच थेरेपी शुरू किया। स्पीच थेरेपी शुरू करने के बाद फिर मैं उसको राइटिंग में खुद ही मैंने घर पे फोकस किया था, उसके बाद जब देखा राइटिंग भी थोड़ा बहुत आ गया तब जाके मैं स्पेशल एडुकेशन शुरू किया। तो ये 4 तीनों थेरेपी मैंने लिया, मैंने बिहेवियर की थेरेपी नहीं लिया। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो बिहेवियर की थेरेपी भी ले सकते हो, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी आपको बच्चे को बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है वो कम कराने का रास्ता बताएगा। और थेरेपी सेंटर जाओगे और हमेशा ये मतलब फॉलो करना है, थेरेपी सेंटर लेके जाके आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो वह आपको थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह में बैठ के साल भर आपका बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे जाके बच्चे को बिल्कुल आप नॉर्मल बच्चा जैसे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता लगे आपका बच्चा 6 साल की है और आपका बच्चा का इम्प्रूवमेंट 2 साल की बच्चा जैसे हुआ, तो आपको तो आप मतलब फॉलो करना है जो बच्चे को आगे कैसे ले। अपना हमारा बच्चा अपना एज के हिसाब से थोड़ा बहुत पीछे रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे रहे तो आप पूरी तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए हर साइड का काम करना है, हर नीट के हिसाब से काम करना है। सिर्फ एक थेरेपी लेंगे तो आपको बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। आप जो थेरेपी लेंगे ऑक्यूपेशन थेरेपी लेंगे तो शायद उसको बिहेवियर की मतलब हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होगा, लेकिन उसको बोलने की जो भाषा जो लैंग्वेज का जो इम्प्रूवमेंट वो नहीं आएगा उतना अच्छा। और स्पेशल एडुकेशन नहीं लेंगे तो उसको पढ़ाई की व स्पेशल टिप्स से जो सिखाना है वो शायद आपको उतना अच्छा से नहीं आएगा, क्योंकि हर पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं होता है ना जी हम अपना बच्चे को स्पेशल एडुकेशन कैसे कराएं। जिसके पास नॉलेज होता है उसकी बात अलग है। तो इसलिए हमें थेरेपिस्ट लेना चाहिए, थेरेपी सेंटर जाके थेरेपी लेना है और हमेशा ये फॉलो करना है। हर महीना में आप फॉलो करते रहो आपका बच्चों में थेरेपी सेंटर जाके कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट ना आए तो लगातार वह से थेरेपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थेरेपी चेंज करो, थेरेपिस्ट चेंज करो और आप ढूंढो कहाँ अच्छा थेरेपिस्ट है जो आपको काम बताए। और थेरेपिस्ट के भरोसा में आप रहोगे, 45 मिनट्स के भरोसा में रहोगे तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। आपको काम करना है 7 इयर्स तक। अगर 2 इयर्स से लेकर 7 इयर्स तक आप दवा के काम करोगे तो मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके बाद 7 इयर्स
के बाद जब बच्चा 7 इयर्स कंप्लीट करके आगे निकल जाता है तब बच्चे को हर एक काम सिखाना आसान हो जाता है, तब कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे अभी अथर्वा के साथ स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको कुछ सिखाने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं चाहिए। अभी नॉर्मल बच्चों जैसे पढ़ाई सीखता है, कोई काम सीखता है, अथर्वा के साथ मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो मैं शुरू में अथर्वा को कोई कमी नहीं रखा, थेरेपी जो जो उसको देना है मैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी अथर्वा के साथ कराया। ऐसे नहीं है सिर्फ स्पीच थेरेपी कराया, स्पीच लैंग्वेज प्ले थेरेपी जो लैंग्वेज थेरेपी कराया वो प्ले थेरेपी का भी कोर्स करा हुआ था, उसके साथ प्ले थेरेपी भी मैंने कराया। फिर ऑक्यूपेशन थेरेपी तो कराया 5 साल, फिर स्पीच थेरेपी कराया। ये सारे थेरेपी मैंने मतलब जब जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, जब जब थेरेपिस्ट बोला अभी आप थेरेपी शुरू कर सकते हो, तब मैंने शुरू किया तो इतना इम्प्रूवमेंट आया। काफ़ी पेरेंट्स को ये मैसेज आता है मेरा बच्चा 9 साल हो गया अभी तक बैठता नहीं है, उनके लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत ज़रूरत है। अगर स्पीच पे अगर आप बच्चे का सीटिंग में काम ना करो, बच्चा बैठ नहीं सकता है, तो स्पीच पे आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, बोलने के लिए उसका लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ा पाओगे। पहले बच्चे को काम डाउन करो, उसको फोकस बढ़ाओ, उसको अटेंशन बढ़ाओ, इमिटेशन स्किल बढ़ाओ, तब जाके ये सारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट करता है। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी इतना अच्छा से हमें करना चाहिए, लेना चाहिए, और घर पे इतना अच्छा से मेहनत करना चाहिए, उसके बाद आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से आप स्पीच थेरेपी कराओगे तो, और कोई चैनल पे कोई मतलब देखोगे जे कोई चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब है या व्यूज है, तो हम वो देख के हमारा बच्चे को ठीक कर पाएंगे, ऐसे बात नहीं है। हमें थेरेपी लेने की भी ज़रूरत होता है, जिसके पास अच्छा थेरेपिस्ट नहीं होता है, काफ़ी अच्छा चैनल भी है यूट्यूब में, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो अब अगर फॉलो करने की मतलब ये नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखो और एक्टिविटी भी कराओ, एक्टिविटी कराओगे तो तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा। सिर्फ टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, हमेशा दिमाग में ये रखना है। 2 साल से पता लगा तो 2 साल से लेके 7 साल तक हम इतना अच्छा एक्टिविटी कराएंगे और तीनों थेरेपी कराएंगे तो फिर हमारी बच्चा बिल्कुल चारों तरफ से इम्प्रूवमेंट लाएगा, समझदारी में भी लाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी लाएगा, बोलने में भी लाएगा, सीटिंग में भी लाएगा। तो इसको कहता है मतलब नॉर्मल एक ऑटिस्टिक बच्चे को नॉर्मल होने का इसको कहता है। अगर बच्चा बोलना सीख गया, आप ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच मतलब स्पेशल एडुकेशन थेरेपी नहीं कराया, सिर्फ आपको लगा मेरा बच्चा ठीक है सिर्फ स्पीच थेरेपी कराया, तो आपका बच्चा बोलेगा, लेकिन ये पता नहीं लगेगा आपको बच्चे को कब कहाँ कैसे क्या बोलना है। तो ये नॉर्मल कोई कोई नॉर्मल लोगों के अंदर भी होता है, इसलिए पेरेंट्स हमेशा आप देखते रहो आपका बच्चे को थेरेपी सेंटर लेके जाओ, देखते रहो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी, अगर बच्चों में थेरेपी सेंटर लेके जाके और घर पे काम करके अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया, थेरेपिस्ट आपको काम ना बताए, तो आपको ज़रूर थेरेपिस्ट बदलना चाहिए और ऐसे थेरेपिस्ट आपको ढूंढना चाहिए जो आपको काम बताए, आपको रास्ता दिखाए। एक थेरेपिस्ट के पास मतलब नॉलेज होता है जे वो आपको रास्ता बताएगा और उस रास्ते पे आप चलोगे तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छा थेरेपिस्ट होना चाहिए जो आपको काम बताए। अभी भी उस दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा थेरेपिस्ट होता है जो आपको काम बताएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप ढूंढ के फिर अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढो और उससे काम लो, और सिर्फ ये भी मैं बोलूँगी थेरेपिस्ट के भरोसा में आप रहोगे तो फिर आपके बच्चे का हर तरफ से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। छोटा एज में आपका बच्चा जितना इम्प्रूवमेंट करेगा आगे जाके उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। छोटा एज बोलने की मतलब मेरा ये है 2 साल से लेके 7 साल आप जितना ज़्यादा काम करोगे, उसका अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, उसको इमिटेशन स्किल, उसको लैंग्वेज जितना आप आगे ले पाओगे, उसके बाद आपका काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़िंदगी भर उसके पीछे उतना नहीं भागना पड़ेगा शुरू में जितना भागोगे। इसलिए 2 इयर्स से लेकर 7 इयर्स तक बच्चों के पीछे इतना टाइम दो और थेरेपिस्ट से काम लो और काम कराओ। और काफ़ी चैनल भी है, मैंने देखा काफ़ी चैनल में भी काफ़ी एक्टिविटी है, वो देख के भी आप कर सकते हो। कराओगे तो फिर 7 साल जब क्रॉस हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे आपके लिए कितना ईजी हो जाता है बच्चों के साथ काम करना। अगर आपका बच्चों का इम्प्रूवमेंट आप ज़्यादा नहीं ला पाया और आपका बच्चा 12 साल की हो गया, 10 साल की हो गया, 8 साल की हो गया,
फिर आपको बच्चे को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। तब आपका बच्चा आपका बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, यार आप जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटा बच्चा अगर काम ना करना चाहे, आपको करना है जैसे भी करके, आपको लालच देखा के हो, गेम खेल के हो, कैसे भी करके काम कराना है। मैं कैसे अथर्व के साथ काम कराया, मैं अथर्व को उस टाइम तो समझ नहीं आते थे, 2 साल 11 महीना की थी, तो मैंने कैसे कराया। अथर्व जब जिम बॉल पे बैठता था बहुत रोता था, मैं उसको ज़बरदस्ती बैठा के रोने देती थी, वो रोता था मैं नहीं छोड़ता था। हर एक बच्चा रोता है, मारता है, पीटता है, पेरेंट्स ये नहीं सोचना हमारा बच्चा रो रहा है तो हम छोड़ देता है उसको, एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर सोचेंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। अगर फुल फाइनल चारों तरफ से अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको बच्चे के साथ आपको काम करना है। बच्चा जितना भी रोए, अथर्व बहुत रोता था, 6-7 महीना बहुत रोया, बहुत मारा मुझे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं उसको रोला के, मैं उस जितना रोती थी मैं नहीं छोड़ती थी, रोला के मैं ज़बरदस्ती खींच के पकड़ के, मैं अपना गोदी में टाइट करके पकड़ के बैठा के मैं अथर्व के साथ एक्टिविटी करती थी। अगर ऐसे आप लोग भी करेंगे, छोटा बच्चा हो आपका, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करो ऐसे करके। अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पेशल एडुकेशन, स्पीच थेरेपी, तीनों थेरेपी कराओगे तो आपका बच्चा एक टाइम के बाद, 7 साल के बाद, जब 8 साल 9 साल 10 साल हो जाएगा, तब देखोगे आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा जैसे हो गया। उसके लिए आपको चारों तरफ की एक्टिविटी करना है। एक एक्टिविटी लेके पढ़ा रहोगे तो फिर इतना अच्छा अटेंशन नहीं आएगा। मतलब मुझे इतना नॉलेज, इसलिए इतना मैं बता सकती हूँ। मैं अथर्वा के साथ हर तरीका के काम किया, हर एक एक्टिविटी को, हर एक थेरेपिस्ट को मैंने इम्पोर्टेंट दिया है। हर एक थेरेपिस्ट के काम मैंने कराया। मैं ये नहीं जैसे सिर्फ ऑक्यूपेशन थेरेपी करते रहे, स्पेशल एडुकेशन को पीछे छोड़ दिया, स्पीच थेरेपिस्ट को पीछे छोड़ दिया, नहीं। हर थेरेपिस्ट का काम आपको करना है, हर थेरेपिस्ट को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाता है। और माइल्ड बच्चा हो तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोला, अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। आप जितना छोटा एज में मेहनत करोगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बड़ा एज में अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ हद तक मिलता है, लेकिन नॉर्मल बच्चा जैसे नहीं होता है। इसलिए मैं आज थेरेपिस्ट कैसे होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। थेरेपिस्ट का डिग्री देखो, उसका नॉलेज देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका काम देखो, उसके बाद ही आप डिसाइड करो जो यहाँ से लगातार हमें थेरेपी लेना है। अगर आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो वहाँ पर आपको लगातार थेरेपी लेने से कोई फायदा नहीं है, बेकार आपका पैसा वेस्ट होगा। इसलिए पेरेंट्स आपको हमेशा फॉलो रखना है, आपका बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हमेशा बच्चे का इम्प्रूवमेंट को फॉलो करना है। और घर पे आपको भी मेहनत करना है, सिर्फ थेरेपिस्ट आपका बच्चे को ठीक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए आपको घर में टाइम देना है। और 5 साल लगातार अगर आप एक्टिविटी कराओगे तो उसके बाद बच्चों के साथ काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पेरेंट्स आज यह था, फिर मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी अथर्वा का इम्प्रूवमेंट कहाँ तक आया, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और मेरा जो मदर जर्नी उसका भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मेरे साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के लिए। और जो मैं एक्टिविटी देती हूँ वो, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जिनके आसपास थेरेपी सेंटर नहीं है, जो गांव में रहता है, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी अपना बच्चे को इम्प्रूवमेंट करा सकता है। अगर पता लगे उनको बच्चा ऑटिज्म है तो वो अगर यूट्यूब में काफ़ी चैनल है, ऐसे नहीं है जो चैनल नहीं है, काफ़ी चैनल है जो बहुत अच्छा एक्टिविटी देता है, बहुत अच्छा काम बताता है। वो काम देख के अगर आप एक्टिविटी कराओगे तो आपका बच्चा भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। और आपको ये समझना चाहिए बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में आपको काम करना है। सिर्फ एक एरिया में आप काम करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, हर एक एरिया में हमें काम करना है बच्चों के साथ, तब जाके हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो पेरेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। आज यह था, फिर न्यू एक्टिविटी लेके फिर न्यू वीडियो में आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।